मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बीजेपी के एक विधायक के बेटे और उसके चार सहपाठियों ने दो नाबालिग बहनों को कथित तौर पर एक कमरे में कैद कर लिया और दोनों का यौन उत्पीड़न किया। ये जिला मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। पुलिस ने क्या जानकारी दी है, एक बार वो जान लेते हैं। पुलिस के मुताबिक एक बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि दूसरी के साथ छेड़छाड़ की गई। एक पीड़िता ने आत्महत्या का भी प्रयास किया, हालांकि उसके परिवार के सदस्यों ने उसे समय पर बचा लिया। इस घटना से स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दतिया जिले के एक SP प्रदीप शर्मा ने बताया है कि छोटी बहन, जिसकी उम्र 17 साल की है, उसके बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। घटना शुक्रवार को दतिया जिले के उन्नाव इलाके में हुई है। 18 साल से कम उम्र के तीनों आरोपियों पर IPC की संबंधित धाराओं के तहत सामूहिक दुष्कर्म, गलत तरीके से कैद करना, छेड़छाड़ और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शर्मा ने कहा है कि चार में से तीन आरोपियों को पूछताछ के लिए पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। हम कथित सामूहिक बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए उसके हालात सुधार होने तक का इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जिले में हुई है ये वारदात, इसीलिए कई बड़े सवाल वहां के सुरक्षा प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक हिरासत में लिए गए तीन लड़कों में से एक कथित तौर पर बीजेपी विधायक का बेटा है। गौरतलब है कि दतिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का जिला है, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया। इसी वजह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर और हमलावर होती जा रही है। राज्य कांग्रेस इकाई ने उनके खिलाफ तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया सेल के सदस्य पीयूष बबले ने ट्वीट किया है, बीजेपी नेताओं के नाम मध्य प्रदेश में सबसे जघन्य अपराधों से जुड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जघन्य अपराध राज्य के गृह मंत्री के गृह जिले में हुआ है, जिन्होंने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ABP लाइव के साथ।